सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एक बार फिर मिनिमलिस्टिक सफर में। मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। गाइस, आइए चलते हैं। हम जो लास्ट वीडियो थी जीवन स्मूथ 4 पे, हम उसको ही आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेकेंड टाइम पर उन्होंने क्या भेजा। गाइस, सेकेंड टाइम पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट था। उसकी बॉक्सिंग, उसकी सील भी ऑलमोस्ट टूटी हुई थी। उसके अंदर से यूजर मैनुअल गायब था। सो गाइस, अगर आप लेट से अगर आप 8,000 रुपये 7,000 रुपये प्रोडक्ट पर खर्च करते हो और आपको सेकेंड हैंड या रिफर्बिश प्रोडक्ट मिलता है, तो गाइज वो रियली वर्थ नहीं है। चाहे प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, इससे बेटर आप एक लाइक कम क्वालिटी का या फिर कम फीचर्स वाला प्रोडक्ट के साथ सेटल हो सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग कोई पुराना प्रोडक्ट या सेकेंड हैंड या रिफर्बिश प्रोडक्ट। तो गाइज आइए जानते हैं कि मैंने मोजा मिनी MX क्यों ऑर्डर किया और क्यों मैंने जीवन को वापस किया और कंसिडर करना बंद कर दिया। गाइज जीवन क्या कर रहा है कि हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट इंडिया में अभी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन आ नहीं रहा हो और उनके पास जो पुराना प्रोडक्ट है वही वो मार्केट में बार बार रीसेल कर रहे हो, ठीक है, और वो बार बार उनका रिटर्न आ रहा हो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या हो सकता है कि कुछ बैटरी लाइफ की दिक्कत हो और वो अगेन वो सेम प्रोडक्ट बार बार सेल कर रहे हैं। और ये जो मोजा मिनी MX है, ये थोड़ा सा उसके फीचर्स थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम है। उसमें क्या था कि उसमें सारे फीचर्स आपको उसी गिम्बल पे मिल जाते हैं, आपको फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी मतलब सेटिंग के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है। और गाइज मैं कंपेयर करूँ मोजा मिनी MX को उससे, तो वो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, हैंडी होता है और इसकी टक्कर ऑलमोस्ट DJI ओम 4 के साथ होती है जो 14-15 हज़ार तक जाता है और ये 7,000 में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर देता है और थोड़ा सा हैंडी और ये फोल्डेबल है। तो गाइज चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। ये गिम्बल 2019 के लास्ट में आई गेस इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा ये। कुछ निकलेगा इसका, ये है कुछ इसका बॉक्स। बॉक्स बड़ा ही कूल लग रहा है, स्टर्डी सा ब्लैक कलर का, और बेस्ट पार्ट है कि सारा सील्ड है, मतलब किसी ने इसको दोबारा पहले खोला या पैक नहीं किया है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। लास्ट में बहुत ज़्यादा पंगा हो गया था और मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता जिसमें ऑलरेडी जो कोई पहले यूज़ कर चुका हो या पहले रिफर्बिश्ड हो चुका हो या फिर रिटर्न हो चुका हो। तो आइए जल्दी इसको खोलते हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा एक फोल्डेबल गिम्बल जो कुछ ऐसा दिखता है। गाइस बेस्ट पार्ट है ये कि फोल्ड हो जाता है, सारा इसके एक्सेस फोल्ड हो जाते हैं। तो अगर हम इसको अनबॉक्स करें, ये कुछ ऐसे खुलता है और गाइस ये कुछ ऐसे दिखता है जैसा कि आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक टाइप सी केबल और उसके अलावा एक इसको होल्ड करने के लिए एक मिल जाएगा रोप, ठीक है, एक केबल मिल जाएगी होल्ड करने के लिए। इसके अलावा आप इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको पढ़ के यूज कर सकते हो। इसके अलावा सिलिका जेल मिला हुआ है कि कोई भी इसके अंदर लेट से मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को सोख सके, ठीक है। और ये आई गेस ट्राइपॉड है इसका, जिसकी वजह से आप इसको पकड़ के होल्ड कर सकते हो या पकड़ के रख सकते हो। तो आइए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे इसका ये इसका पाउच है आप गिम्बल रखने के लिए और पाउच भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको ये ट्राईपॉड मिलता है। इससे क्या होता है कि अच्छा, इसमें ट्राईपॉड जनरली क्या होता है, पहले जो गिम्बल आते थे उनमें ट्राईपॉड यहाँ पे लगता था, लेकिन इसमें यहाँ है, तो ये थोड़ा सा अलग है। और अगर आपको क्लिप थोड़ी सी और स्टेबल बनानी हो ना, थोड़ी सी और स्टेबल, तो आप इसको ऐसे करके यूज कर सकते हो दोनों हाथ से पकड़ के, ठीक है, तो आपकी क्लिप थोड़ी और स्टेबल हो जाएगी। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको एक फुल ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें आपको सारे कंट्रोल सीखने हैं, कौन कौन से मोड है इसके वो सीखने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और सिनेमेटिक शॉट डालने की कोशिश करूँगा। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।